बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट सैयद नूरुल हसन गर्देजी और आप देख रहे हैं नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से रमजान ट्रांसमिशन। जी तो नाजरीन, आइए हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अलामा मौलाना अजमल हसन कादरी साहब, खतीब आजम गखड़। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बिला तखीर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। लामा साहब, आपने अपनी मसरूफे से टाइम निकाल के हमें कुछ टाइम नायत फरमाया। हम ये चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन को कुरान की अजमत के हवाले से कुछ आप इरशाद फरमा दीजिए। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने रमज़ानुल मुबारक की इन पुरकैफ साआतों में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उम्मत तक पैगाम कुरान को पहुंचाया है और अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस मसीह जमीला को कबूल मंजूर फरमाए और हम सब के लिए इसको तो शयाखत बनाए, ज़रिए नजात बनाए, कफारा सैयाद बनाए। आज के ज़माने में इस तरह की ट्रांसमिशन, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं उनकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि दज्जाल जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उनके अकायद को, उनके नजरियात को खराब करने की कोशिश कर रहा है और जिस नहज पे आके दुश्मन काम करे उसी नहज पे आके जो है उसका मुकाबला भी करना चाहिए। जी जी जी। और माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन इस सिलसिले में बड़ी पॉजिटिव है, अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद हिम्मत अता फरमाए। आमीन। तो बात कुरान मजीद की है तो कुरान मजीद तो एक ऐसी लाजवाल अल्लाह तबारक व ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अता फरमाया है। ये वो मौजज़ा है कि जिसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान मजीद जो मुझे अता किया गया है, अल्लाह तबारक व ताला ने ये ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि क़यामत तक के लिए ये जिंदा और सलामत और मौजूद। सुभान अल्लाह। ये वो मौजज़ा, बेशक सबसे बड़ा मौजज़ा हुजूर का कुरान मजीद है। कुरान मजीद है। अब ये कुरान मजीद चूंकि बुनियादी तौर पर किताबी हदायत है, इससे हदायत हासिल की जाए और हदायत हासिल करने के लिए कुरान मजीद के बिल्कुल आगाज में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो किताब है कि जिसके अंदर शक नहीं है। बेशक। अब देखिये शक जो है इसका अपोजिट वर्ड जो मुतजाद है वो है बेयकीनी। जी ठीक है। और जो शख्स, जैसे एक मिसाल है ना, अगर कोई शख्स कहता है कि जनाब मुझे शक है कि बाहर बारिश हो रही है और एक शख्स बाहर से ही आता है और वो कहता है जनाब आपको शक है ना, तो मुझे यकीन है कि बाहर बारिश हो रही है क्योंकि उसने आंखों से देखा है। अब शक वाला और यकीन वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। जी जी जी। इसी तरह कुरान मजीद एक किताब है कि जिसके अंदर शक नहीं है। अगर किसी के दिल में शक है और वो कुरान पढ़ता है उसको कुरान से कुछ नहीं मिलेगा। कुरान पढ़ना है तो आपने सीने को शक से पाक करके पढ़ो, यकीन के साथ पढ़ो, तो फिर कुरान की सारी हदायतें तुम्हारे सीने के ऊपर उतर जाएंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और अल्लामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले कहा था इस उम्मत की हालत ज़ार को देखते हुए, अल्लाह अल्लामा कहते थे सुन तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, तेरी गुलामी से बदतर है बेयकीनी। क्योंकि हम आज के दौर में बेयकीनी का शिकार है। जब भी कुरान को पढ़ें तो यकीन के साथ पढ़ें। देखें ना, हम नजरियात को पढ़ते हैं, लोग बायो को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ को पढ़ते हैं और नई नई थ्योरीज पढ़ते हैं। साइंटिस्ट जो हैं उनके नजरियात तब्दील होते रहते हैं। कोई एक नजरिया एक साल में पेश किया फिर एक नया नजरिया आ जाता है। मगर कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसका एक एक हरफ आज से 1400 साल पहले भी जैसी तासीर रखता था, जैसे माने रखता था, क़यामत तक के लिए वही माने रखेगा, वो तब्दील नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये कुरान मजीद का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान मजीद कैसे एक अदना चीज को आला और अरफा मकाम और मर्तबा अता करता है, इस पर मुझे एक वाक्या याद आ रहा है। माशाल्लाह। हजरत सालिम रदी अल्लाह तआला है एक शख्स का नाम है। अब इनका वाक्या कुछ इस तरह के मक्का मुअज्जमा से एक शख्स तजारत के लिए जो है वो मदीना तैयबा जाता है। जी जी। और मदीना तैयबा जो है उसने एक शख्स का मुशाहदा किया कि तजारत करते हुए उसने देखा कि एक शख्स, एक नौजवान है, हल्की सी उम्र है, कोई इतना खूबसूरत भी नहीं है, रंग भी काला है, उसको धूप में खड़े हुए देखा। एक दिन भी देखा, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी। अब वो परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है, इसको धूप में क्यों खड़ा किया गया। अब उसका माजरा पूछा
तो बताया ये गया कि इसका जो मालिक है ये शाम से लेकर आया था इसको खरीद के लाया, और जब शाम से खरीद के लाया तो उसने यहाँ आकर के सारा सामान तजारत बेच दिया, अच्छा नफा हुआ, मगर ये जो गुलाम था ना ये नहीं बिक रहा था क्योंकि इसकी शक्ल सूरत भी इतनी कोई खूबसूरत नहीं थी, कोई सेहतमंद भी इतना नहीं था, दुबला पतला था। तो उसने गुस्से में आके इसको जो है वो धूप में खड़ा कर दिया। अब उस गुलाम को एक औरत खरीद दिया जिसका नाम था सबीता, वो खातून ने खरीदा। अब ये शख्स जो मक्का से मदीना तैयबा गया हुआ था, इसकी शादी सबीता से हुई और वो गुलाम को साथ लेकर के अपने खामद के साथ मक्का मुजमा वापिस आ गया। अल्लाह, अब ये गुलाम जो है इनका नाम है सालिम, और सबीता की शादी अबू हुजैफा से होती है। अल्लाह, अब ये जो अबू हुजैफा है जब मक्का में आते हैं तो इनकी इनकी दोस्ती हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के साथ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला हो। अब देखिये दोस्ती का मेयार क्या होना चाहिए, आज हमारा दोस्ती का भी मेयार होता है ना, हम दोस्ती किसी से करते हैं उनके माल की वजह से दोस्ती हो गई, या किसी का असर और रसूख देख के दोस्ती करते हैं। हालांकि मुसलमान की दोस्ती का मेयार दोस्त के दीन पर होना चाहिए, बेशक उसकी दीनदारी को देख के, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरु अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। वाह वाह वाह। अब और कुछ लोगों को मना किया जाए ना फलां शख्स के साथ उठना बैठना अच्छी बात नहीं, उसके नजरियात अच्छे नहीं है, तो जवाब ये मिलता है जनाब हम नजरियात की बात नहीं करते, हमारी तो दोस्ती है। हालांकि ऐसा नहीं, इमामुल अंबिया ने जब फरमा दिया कि दोस्त के दीन पर होता है इंसान, तो लिहाजा हमें दोस्त भी वही बनाने चाहिए जो हमारे हम आहंग अच्छे अकीदे वाले हों, खुश अकीदे वाले हों, औलिया से मोहब्बत करने वाले हों, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बल्कि आपके नालायन पर जान कुर्बान करने वाले, सुभान अल्लाह सुभान, बल्कि उनका जज्बा ये हो कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उसने तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे भाई मेरी दोस्ती उससे है जो मेरे महबूब का गुलाम बनेगा। वाह 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 सुभान अल्लाह, जो मेरे आका का गुलाम बन जाए मेरी दोस्ती उसी से होगी, लिहाजा अबू हुज़ैफ़ा अगर तुम मेरे दोस्त रहना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब को तुम भी महबूब बना लो। सुभान अल्लाह। अब अबू हुज़ैफ़ा कहने लगे क्यों नहीं उस्मान, अगर तुम दोस्त मैं तुम जैसे दोस्त को जो है वो उसके साथ दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती कायम रहे, चलो मुझे भी ले जाओ और मैं उनके हाथों में हाथ दे के मैं भी उनका गुलाम बन जाता। सुभान अल्लाह सुभान, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अब कलमा जब पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बैठा करते थे, हुजूर का वो कानों को सुरूर पहुंचाने वाला, वो दिल को राहत पहुंचाने वाला कलाम सुना करते सुभान थे। अल्ला, सुभान और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुजूर को कैसा कलाम अता फरमाया, अल्लाह उसके तो क्या ही कहने हैं। आला हजरत लिखते हैं, मेरे आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। वाह 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 वाह। वो फुसहा को बड़ा, अरब के लोगों को बड़ा अपने पे नाज था ना, मगर जब हुजूर आए हैं तो फिर क्या ही बात, जब हुजूर आ जाते हैं फिर बाकी मामला जो हैं वो बैठ जाते हैं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े 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 बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं जान नहीं। वाह वाह वाह। तो हुजूर का कलाम सुना करते थे, तो एक दिन हुजूर ने फरमाया गुलामों को आजाद किया करो, गुलामों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हजरत अबू हुज़ैफ़ा का ज़हन बना कि मैं सालिम को आजाद कर देता हूँ। सालिम को आजाद किया तो सालिम की आंखों में आंसू आ गए। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुरान कैसे इंसान को जमीन से उठाता है और आला इल्लियीन तक कैसे ले जाता है, मकाम और मर्तबा कैसे मिलता है इंसान को कुरान से जुड़ने से। वो मुअज्जज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, और आज उम्मत मुसलमा अगर तनज़ुली की तरफ है, अगर उम्मत मुसलमा जवाल पजीर है, अगर आज मुसलमानों की हालत को देखा जाए तो ना हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, ना हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, हम किसी भी हवाले से जो है वो किसी अच्छे मकाम पे नहीं है। क्यों? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमने किताब हदायत के साथ अपना दामन छुड़ा लिया हुआ है, हमने किताब हदायत को छोड़ा हुआ है। जब तक मुसलमान किताब हदायत से जुड़े हुए थे दुश्मन इनके साय से भी डरा करता था। अल्लाह अकबर, बेशक। तो आजाद किया ना, तो अब वो हजरत सालिम रोना शुरू हो गए। आप कहते हैं कि मैं पूछा कि क्यों रो रहे हो, कहने लगे कि मैं जाऊंगा कहाँ, मुझे शाम से खरीदा गया था, मदीना तैयबा में मुझे फिर बेचा गया, मैं वहां से खरीदा गया हूँ, अब मक्का में आ गया हूँ और यहाँ मुझे आजाद किया गया है, मेरा ना इधर कोई बहन है ना भाई है, मैं कहाँ जाऊंगा। अल्लाह, अब परेशान हो गए। तो हजरत अबू हुज़ैफ़ा जो है उन्होंने अपना बेटा बना लिया
और हजरत सालिम का नाम अगर बुखारी मुस्लिम को उठाए ना, तो इनका नाम जो है सालिम मौला अबू हुज़ैफा के नाम से आपको इनका जो है इनके फजाइल मिलेंगे। बुखारी के अंदर भी फजाइल मौजूद हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी। तो हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा जो है, अब ये हुजूर की बारगाह में बैठा करते, कलाम सुना करते, कुरान मजीद की आयात बय्यिनात का जो नुज़ूल होता ये सुन के याद कर लिया करते। तो सहाबा इकराम में सबसे ज्यादा कुरान पाक जिनको याद था वो हजरत सालिम थे। वाह 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 वाह। अब हुआ ये कि हिजरत का हुक्म आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हिजरत का हुक्म दिया, हजरत फारूक आजम भी साथ हैं और ये सहाबा हिजरत करके मदीना तैयबा जो है वो आ रहे थे। तो कुबा के मकाम पर जब पहुंचे तो वहां नमाज जो है वो पढ़ानी थी। कुबा चूंकि मदीना तैयबा के करीब है, अब वहां जब नमाज पढ़ाने का मौका आया तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला उन्होंने ढूंढा कि नमाज कौन पढ़ाएगा। हजरत फारूक आजम फरमाने लगे कि वो सालिम किधर है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में बेहतरीन कुरान पाक पढ़ने वाला है। हजरत सालिम जो है उनको बुलाया गया, उनको इमामत के मुसल्ले पे खड़ा किया गया और पीछे हजरत फारूक आजम जैसे जय्यद सहाबा इकराम जो है वो मुक्तदी के तौर पर नमाज अदा कर रहे। ये सारा मंजर जो है वो यहूदियों ने देखा, वहां के रहने वाले जो यहूदी थे उन्होंने देखा। कि आपको मालूम होना चाहिए कि मदीना तैयबा में सदियों से यहूदी आबाद थे, ये बनू कैंका है, बनू नजीर है, इस तरह के कुछ कबाइल। तो यहूदियों ने देखा कि ये नौजवान जिसको मुसलमानों ने इमामत के लिए आगे खड़ा किया, ये इसको देखा वाला है, ये कौन है। एक दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा ये तो वही सालिम है जिसको तीन दिन इसके आका ने सिर्फ इस वजह से धूप में खड़े किए रखा था, ना कोई इसको खरीदता था ना इसका रंग सोना है। अल्लाह, आज इसको मुसलमानों ने इमाम बना लिया। वजह क्या बनी? जब इमामत के फराइज मुकम्मल हुए, सारी बात की छानबीन की गई तो पता ये चला कि सालिम का ताल्लुक कुरान से हो गया है और कुरान के साथ ताल्लुक होने के बिना पर हजरत फारूक आजम ने उसको अपने सामने मुसल्ले पे खड़ा किया है इमाम के तौर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं कुरान मजीद जो है वो दराजात को बुलंद करता है। वाह वाह वाह। यूं कुरान मजीद जो है वो इंसान को पस्तियों से उठाता है और बुलंदियों की रिफत तक ले जाता है। और कुरान मजीद की तो क्या ही कहने हैं। कुरान मजीद जो है वो ऐसी अजमत वाली किताब है कि अल्लामा इकबाल ने फारसी में फरमाया था ना कि आज हम अगर जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी मुसलमानों वाली जिंदगी गुजरे तो ये किसे कहानियों से नहीं गुजरेगी, ये डाइजेस्ट और इस तरह के जो है वो फिल्में ड्रामे देखने से नहीं गुजरेगी। गर तो मी हाखी मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज्बा कुरान जीस्तन। अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी मुसलमानों वाली जिंदगी गुजरे तो कुरान के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि तू मुसलमानों वाली जिंदगी गुजार सके। कुरान जो ऐसी किताब है जगह जगह पे हमें मोटिवेशन अता करती है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, ये कह के हमें बताता है, कुरान कहता है, हमें मोटिवेट करता है कि साइंस में जाके इजादात करो। कुरान मजीद अफला याकिलून अफला यतदब्बरून कह के हमें बार बार झंझोड़ता है कि तुम तदब्बुर करो, गौर व फिक्र करो, अकल और शऊर के रस्ते जो है वो तलाश करो, इसको इस्तेमाल करो और फिर जमीन को अपने लिए मुसख्खर करो। अल्लाह, मैं पैगाम ये दूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, इतना खूबसूरत आपने जो बजम सजाया है इस प्लेटफॉर्म से, पैगाम ये है कि हमारी जिम्मेदारी क्या थी। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमने कुरान को पढ़ना है, समझना है और फिर उसके जरिए कायनात को मुसख्खर करना है, तस्खीर करनी है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने हमें महकूम बनने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि मुसलमान जब भी आए हैं मैदान अमल में ये हाकिम बन के आए, बेशक मुसलमानों को सरदार बना के भेजा गया, बेशक सुभान अल्लाह। अब वो मुमकिन कैसे है? वो मुमकिन ऐसे है कि हमारा ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए, हम कुरान के साथ अपने ताल्लुक को, अपने दामन को जोड़ लें और जब कुरान को पढ़ते चले जाएंगे फिर देखिएगा कि कायनात कैसे तस्खीर होती है। अल्लाह, मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी तो जिम्मेदारी ये थी कि कुरान को पढ़ना है, समझना है, फिर उस पर अमल करना है, फिर उसके जरिए कायनात की तस्खीर करनी है, मगर अफसोस कि वो पहली सीढ़ी कि जिसमें कुरान को पढ़ना था। हमारा एक यहाँ पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ तो बड़ी माजरत के साथ 90% जो मुसलमान हैं उनको दुरुस्त कुरान पाक ही नहीं पढ़ना था। अल्लाह, अब दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना, नाजरा पढ़ना, फिर उसके बाद कुरान को समझना, क्योंकि हम लोग अरबी नस्ल नहीं है, हमें तो कुरान की पहले तो उसकी लुगत को समझना होगा, फिर कुरान के मिजाज को समझना होगा। बड़े सारे लोग वो लफ्जी तर्जमा करने वाले, बाबा ज्यादा का दौलन फहदा का तर्जमा करने वाले, और जो लफ्जी तर्जमे फंस के
तो इमाम अल-अंबिया की जात के बारे में तरह तरह की बातें कर बैठते हैं। और कुरान पढ़ना भी जो है वो अगर पढ़ना हो तो आपका दामन जब बरेली के इमाम के दामन से जुड़ा होगा फिर कुरान की समझ आती रहे। बेशक बेशक। देखे ना, एक शख्स कुरान के इसी आयत का तर्जमा करता है, वावा ज्यादा का दौलन फहदा माजल्ला सुम्मा माजल्ला, कहने लगा कि हमने आपको जो है वो गुमराह पाया और फिर रास्ता दिया। और फिर जब बरेली के इमाम की बात आती है, शाह अहमद रजा की बात आती है, तो फिर वो कुरान का इसी आयत का तर्जमा क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने तुमको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और फिर तुम्हें अपनी तरफ राह दिया। ये है आला हजरत की सोच, और ये सोच जो है यही इमाम अहले सुन्नत ने सोच को आगे आम किया है। और इसी चीज को लेकर के आला हजरत ने कहा ना कि ए रजा खुद साहिब कुरआन है मद्दाह हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह। तो कुरान को समझना भी है तो किसी अहले नजर अहले मोहब्बत की हाथों में हाथ दो, फिर कुरान को पढ़ो, फिर देखो एक एक आयत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो नात नजर आएगी, दूसरा हदायत और नूर का जो एक समंदर है तुम्हारे सीने के ऊपर खुल जाए। तो जरूरत इस अमर की है कि आओ फिर कुरान को समझते हैं, कुरान मजीद जो है उससे ताल्लुक को कायम करते। अलामा ने कहा था हर कोई मस्त मै जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फकर है ना दौलत उस्मानी है, तुमको अपने असलाफ से क्या नस्बत रूहानी है, वो जमाने में मौजस थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरआन होकर। अल्लामा इकबाल कुरान को समझा करते थे, बचपन में कुरान मजीद पढ़ा करते ना, तो अब्बा जी ने शेख नूर मोहम्मद साहब जो है उन्होंने पूछा कि पुत्र इकबाल कुरान की समझ आती है, समझ के पढ़ा करो ना। कहने लगे नहीं मैं बस वैसे ही पढ़ता हूँ, बस पढ़ता चला जाता हूँ, तिलावत कर रहा हूँ, जैसे आज हम करते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं जनाब मैंने 15 पारे पढ़ लिए हैं, मैंने 20 पारे, मैंने 25 पारे पढ़ लिए हैं। तो अलामा भी यही कहते हैं, वाले साहब कहते नहीं बेटा इकबाल कुरान पढ़ने का ये अंदाज नहीं है, अल्लाह कुरान पढ़ना है तो इसको समझ के पढ़ो। फिर वो वक्त आया कि अलामा इकबाल कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और औराक उनके आंसुओं से गीले हो रहे, अल्लाह आंसू बह रहे हैं कुरान पाक पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और है भी कुरान मजीद के बारे में यही हुजूर ने फरमाया ये गम में नाजल हुआ है, जब भी पढ़ो तो आपकी आंखों से आंसू नाजल होने चाहिए, आंसू निकलने चाहिए, आंसुओं के साथ कुरान की तिलावत किया करो। फिर उसी सूरत में अलामा ने कहा था कि तेरे जमीर पर जब तक ना हो नुज़ूले किताब, अल्लाह तेरे जमीर पर यूं समझें कि जैसे मेरा रब मेरे साथ कलाम कर रहा है, मेरा रब मुझे डायरेक्टली मुझे समझा रहा है कुरान की आयतों में, तो जब तक तेरे जमीर पे ना हो नुज़ूले किताब, गिरा कुशा है राजी न साहिबे कशाफ। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े जो है वो मुफस्सिर भी गुजरे हैं, फिलासफर भी हैं, आप बहुत बड़े जो है आपके पास दीगर उलूम भी हैं, मगर जिस शख्स ने कुरान को समझना है और इस अंदाज में समझना है कि ये किताब मेरे लिए नाजल हुई, तो फिर वो उसको इमाम राजी की भी समझ आएगी तो कशाफ की तफसीर कशाफ की भी समझ आएगी। और अगर कोई शख्स जो है वो कुरान को बस सिर्फ पढ़ने के लिए कुरान पढ़ना बढ़ाए पढ़ना जो है वो करेगा तो फिर उसको ना इमाम राजी की समझ आ सकती है ना कशाफ की समझ आ सकती है। बड़ा खूबसूरत नुक्ता समझाया कि जब तक तेरे जमीर पे ना हो नुज़ूले किताब, गिरा कुशा है राजी न साहिब कशाफ। अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान से मोहब्बत, कुरान का लगाव, कुरान मजीद का फैजान हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। यही पैगाम इसी प्लेटफॉर्म से हम देते रहेंगे, अल्लाह आपके इस प्लेटफॉर्म को भी सलामत रखे। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, नहायत खूबसूरत अंदाज के साथ इज्जत मआब जनाब अजीम अज़मी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल हसन कादरी साहब, आप हमारे नाजरीन को कुरान पाक की अहमियत और उसकी फजीलत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आइए नाजरीन इसी के साथ अपने सेगमेंट के हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं, कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।